है आप सभी का एएसआर जम्मू ब्लॉग्स के एक और नए एपिसोड में। सो दोस्तों, आज के अपने इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू टाटा सफारी की, और सफारी के साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन बता दूंगा टाटा हैरियर की। ऑल्दो ये दोनों गाड़ियां आपको देखने में फ्रंट से बिल्कुल सेम लग रही होंगी, बट क्या कुछ चेंजेस टाटा सफारी में की गई हैं एज़ कम्पेयर टू टाटा हैरियर के, तो वो आपको इस वीडियो में पूरा आगे चलकर पता लगेगा। सो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टाटा सफारी की, और ये पूरा लुक आपको जो होगा हैरियर की एक कॉपी देखने को मिलेगी, क्योंकि हैरियर का ये 7 सीटर एक्सटेंडेड वर्जन है। ये कुछ छोटी सी जो माइनर चेंजेस है वो मैं आपको एक डिटेल में बताता जाता हूँ। सबसे पहले आपको जो ये फ्रंट की ग्रिल है ना, यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस बार आपको ट्राई एरो डिज़ाइन देखने को मिलेगा जो कि ग्रिल में रहेगा, और यहाँ पर सिल्वर एक्सेंट यहाँ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो थोड़ी सी चेंज है वो मैं हेडलैम्प पे बता देता हूँ। हेडलैम्प पे टाटा हैरी जो सफारी है आपको, वहाँ पे आपको ये स्ट्रिप दी गई होगी क्रोम पे, क्रोम की, जो डिफरेंशिएट करेगी आपकी हेडलैम्प यूनिट को और फॉग लैम्प को। और बात करें हेडलैम्प यूनिट की, जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स है, उसमें आपको जो हाई बीम होगी वो हैलोजन बल्ब में देखने को मिलेगी, और लो बीम जो होगी HID प्रोजेक्टर में देखने को मिलेगी। और ये जिनॉन HID हेडलैम्प जो होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे टाटा सफारी में। और मैं आपको बता दूँ, ये टाटा सफारी का XZA ऑप्शनल प्लस जिसे आप बोल सकते हो वो वाला वेरिएंट है, और यहाँ पे ये हैरियर का XZ ये भी प्लस मतलब ऑप्शनल जो वेरिएंट रहता है, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो होते हैं वो रहते हैं, ये ऑटोमेटिक है, ये मैनुअल है। सो ट्रांसमिशन की बाद में बात करेंगे, जो जो डिफरेंसेस है मैं वो आपको बताता जाता हूँ। और अब चलते हैं टाटा हैरियर पे। हैरियर का जो लुक होगा वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। हैरियर में ये जो ट्रीटमेंट होंगे ना, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में दिए होंगे ये DRLs कम इंडिकेटर्स के नीचे, और ये भी ट्रीटमेंट आपको पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया फ्रंट ग्रिल का। आल्दो रेडिएटर ग्रिल दोनों की सेम है, और हेडलैम्प यूनिट भी दोनों का सेम है, बस उसमें जो डिफरेंशिएट है, जो डिफरेंस क्रिएट करती है फॉग लैम्प्स में, और इस डिफरेंशिएट करती है अपने हेडलैम्प यूनिट को फॉग लैम्प को, वो वहाँ पे आपको सिल्वर एक्सेंट में एक क्रोम देखने को मिलेगी, और यहाँ पे ये पियानो ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैं आपको, ये आप टाटा हैरियर का फ्रंट का लुक देख सकते हो, ये आप देख सकते हो टाटा सफारी, यहाँ से इसकी जो क्रोम लाइनिंग है वो स्टार्ट हो रही है योर टिल एंड, और ये लेफ्ट साइड राइट साइड ड्राइव साइड तक चले जाते हैं। तो ये एक छोटे से डिफरेंस है फ्रंट से, आई होप आपको ये देखने में जस्टिफाई हुआ होगा कि क्या क्या जो डिफरेंसेज हैं छोटे छोटे वो फ्रंट से आपको देखने को मिलेंगे। इस टाइम की अब चेकआउट करते हैं टाटा सफारी का साइड व्यू। साइड व्यू इज़ द ओनली व्यू, यहाँ पे आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाओगे टाटा सफारी और टाटा हैरियर को। मैं पहले टाटा सफारी आपको दिखा रहा हूँ। टाटा सफारी का जो साइड व्यू होगा वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं इसमें टायर्स की बात कर लेता हूँ। टायर्स की जो सेक्शन होगी वो आपको 235 60 R18 18 इंचिस के आपको यहाँ पे अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, और ये नॉर्मल अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, मशीन कट अलॉय व्हील रहेंगे ये। बात करें अब ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस जो होगी वो आपको 215 mm की यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगी। हैरियर में आपको 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और ये रियर टायर सेक्शन देख सकते हो, और चारों टायर्स पे आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेगी। डोर हैंडल की बात करें तो डोर हैंडल ये आपको हैरियर की तरह ही देखने को मिलेंगे, जिस तरह का उनका लेआउट था वैसा ही है। ORBM आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ब्लैक कलर में देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे इंडिकेटर्स की पोजीशनिंग ये आपको देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं टाटा सफारी के मेन पार्ट की, वो है इसका स्टेप अप रूफ, और रूफ रेल्स भी आपको स्टेप अप देखने को मिलेगी, जो कि प्रीवियस सफारी के स्टांस को बरकरार किए हुए है यहाँ पे। और ऑल्दो टाटा हैरियर का जो लुक रहेगा वो थोड़ा सा पीछे से आपको कूपे स्टाइल डिज़ाइन में देखने को मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, टाटा सफारी में दो तरह की रूफ रेल्स आपको देखने को मिलेंगी, डिज़ाइन दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि ये XZ प्लस वेरिएंट है तो इसमें आपको रूफ रेल देखने को मिलता है। और ये जो रूफ रेल्स आती हैं XZ प्लस वेरिएंट में, तो ये फंक्शनल रूफ रेल्स नहीं रहने वाली हैं, जो कि एक इससे कम जो वेरिएंट है XZ वेरिएंट, वहाँ पे आपको सनरूफ नहीं देखने को मिलेगा, बट उसमें जो रूफ रेल्स जो रहेंगी वो आपको फंक्शनल देखने को मिलेंगी। सो ये एक डिफरेंस है, आई होप आप ये नोट कर लें। और जो दूसरा जो डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ, सफारी में जो आपको क्वार्टर पैनल मिलेगा वो आपको काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा, और यहाँ से आप इस गाड़ी को थोड़ा जस्टिफाई कर सकते हो प्रीवियस सफारी से, तो काफ़ी बढ़िया ये देखने को लगती है साइड व्यू से, और ख़ासकर ये जो एलिमेंट इन्होंने इंसर्ट किए हुए हैं इससे काफ़ी बढ़िया सफारी की लुक जो होती है इन्हांस हो के आती है। और यहाँ पे सफारी की जो होगी वो आपको बैजिंग देखने को मिलेगी, ये फ्यूलिड रहेगा यहाँ पे,
जिसे पुश करते ही आप इसे खोल सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं टाटा हैरियर के साइड व्यू की। सबसे पहले मैं आपको टायर्स पे लेके चलता हूँ। टायर की सेक्शन 235/65R17, यहाँ पे 17 इंच के अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे 18 इंच के थे। यहाँ पे जो अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन जो रहेगा वो मशीन कट और डायमंड कट अलॉय व्हील्स रहेंगे ड्यूल टोन में। वहाँ पे सिंगल टोन में था जो कि मशीन कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलते थे आपको। यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस आपको थोड़ी कम साइड पे 205 mm में देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली वहाँ पे टायर की सेक्शन जो है वो बढ़ाई गई है, टायर का जो सेक्शन है बढ़ाई गई है, इसी के कारण उसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी इंक्रीज हुई है। सो ये आप इसके कुछ साइड का लुक देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको टाटा हैरियर की बैजिंग देखने को मिलेगी। क्वार्टर पैनल आप इसका देख सकते हो, बिल्कुल कूपे टाइप डिज़ाइन में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से ये एरिया है, यहाँ से टाटा सफारी और टाटा हैरियर थोड़ा आपको अलग देखने को मिलेगा। बल्कि आगे से अगर देखेंगे आप इस गाड़ी, इन दोनों गाड़ियों को, तो ये दोनों गाड़ियाँ आपको एक जैसी ही लगने वाली हैं। तो ये आप इनके फ्रंट के लुक देख सकते हो। और अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के बैक व्यू की। सो वन बाई वन मैं आपको बताता हूँ कि टाटा सफारी जो है रियर से किस तरह से है देखने में। रियर इज़ द सेकेंड मोस्ट थिंग दैट आई हैव नोटिस कि यहाँ से भी आपको टाटा सफारी जो है वो हैरियर से थोड़ी डिफरेंट लगने वाली है। यहाँ पे आपको जो इसका बैक जो होगा वो आपको प्लेन देखने को मिलेगा, ऑल्दो हैरियर का जो होगा कूपे स्टाइल में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो होगा स्पॉइलर देखने को मिलेगा, यहाँ पे वाइपर वॉशर और डिफॉगर की फैसिलिटी, और यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश की एक पूरी आपको पट्टी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपका जो रहेगा ये रियर कैमरा, और यहाँ पे जो पीछे की रियर लाइट्स रहेंगी वो यहाँ पे आपको ड्यूल स्ट्रिप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और हैरियर में जो रहती थी वो यहाँ पे आपको सिंगल स्ट्रिप यहाँ देखने को मिलती। तो ये भी एक छोटा सा डिफरेंस है। सो दोस्तों इस तरह से अगर लाइट ल्यूमिनेट हो तो इस तरह से आपको जो होगा वो रियर की लाइटनिंग हैरियर की देखने को मिलेगी, रियर की टेल लैंप्स की, और यहाँ पे रियर की टेल लैंप्स आपको टाटा सफारी की देखने को मिलेगी। सो अब बात करते हैं रियर की, और यहाँ पे आपको जो होगा वो रियर फॉग लैम्प देखने को मिलेगी, रिफ्लेक्टर यहाँ देखने को मिलेगा, दो पार्किंग सेंसर्स जो होंगे वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। रियर में आपको फेक डिफ्यूज़र्स दिए गए हैं, ये आप देख सकते हो इस तरह के लुक, जो कि काफ़ी एक ऑफ रोडिंग और काफ़ी मस्कुलर लुक जो है इस गाड़ी को प्रोवाइड कर रहे हैं। और अब करते हैं बात रियर स्पेयर व्हील की, तो स्पेयर व्हील जो होगा वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, और यहाँ पे टाटा सफारी की जो होगी वो बैजिंग आपको देखने को मिलेगी। इट्स टाइम टू चेक आउट द इंटीरियर ऑफ ऑल न्यू टाटा सफारी, बट बिफोर गोइंग इनसाइड मैं आपको गाड़ी की दिखा देता हूँ। ये की आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी जानी पहचानी की रहेगी, आई थिंक इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए था। ये टाटा नेक्सन में भी आपको देखने को मिलती, लॉक अनलॉक और बूट ओपनर की फैसिलिटी, और यहाँ से आप अपनी लाइटनिंग जो है गाड़ी की वो ऑन कर सकते हो। और अब बात करते हैं गाड़ी के अंदर जाके, और इंटीरियर की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन रहेगा, सो जिसे प्रेस करते ही आप गाड़ी जो है ओपन कर सकते हो। सबसे पहले डोर पैनल की बात करते हैं, ऑल्दो डोर पैनल बहुत भारी है, इस पर बाद में जाते हैं। सबसे पहले आप डोर पैनल में लेआउट देख सकते हो, दो कलर्स का आपको यहाँ पर लेआउट देखने को मिलेगा, ब्लैक और आइसो वाइट कलर। ये आप देखने को यहाँ पर सॉफ्ट टच आपको देखने को मिलेगा, ग्रैब हैंडल जो रहेगा वो भी सॉफ्ट टच में रहेगा। और यहाँ पर आपको देख सकते हो 1 liter वाटर होल्डर की पोजीशनिंग यहाँ रहेगी, और यहाँ पे आप कुछ अपने मैप पॉकेट्स या कुछ भी वॉलेट वगैरह आप रख सकते हो। यहाँ पे पटर लैंप आपको जो देखने को मिलेगी, और इस तरह से इसका जो होगा डोर पैनल टाटा सफारी का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ORBMs के कंट्रोल्स यहाँ देखने को मिलेंगे। और आप बात करते हैं गाड़ी के सीट्स की, सो सीट्स जो होंगी वो आपको 8-way एडजस्टेबल जो कि इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी के साथ आती हैं वो देखने को मिलेंगी। और सीट्स के कलर का मैं आपको बात बता दूँ, आइसो वाइट कलर यहाँ आपको देखने को मिलेगा, विच गिव्स अ वेरी प्रीमियम टच टू टाटा ऑल न्यू टाटा सफारी। और बात करते हैं अब स्टेयरिंग व्हील की, तो स्टेयरिंग व्हील आपको 4-spoke स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगा। लेफ़्ट साइड में जो भी आपके कंट्रोल्स रहेंगे वो म्यूज़िक से रिलेटेड, वॉइस कमांड से रिलेटेड, फ़ोन पिकअप और डिक्लाइन करने से रिलेटेड आपको जो होंगे कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। और राइट में आपको कंट्रोल्स मिलेंगे क्रूज़ कंट्रोल को लेके, और यहाँ पे एक वुडन फिनिश का टच दिया गया है। ऑल्दो हैरियर में वो एक वुडन कलर जैसा, ब्राउन कलर जैसा आपको देखने को मिलता था, यहाँ पर थोड़ा डार्क कलर यहाँ देखने को मिलेगा। और फ्रंट डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा यहाँ पे, और स्टेयरिंग भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, लेदर रैप स्टेयरिंग जो होगा वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको 8.8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा।
सो ये लेआउट आपको कुछ जाना पहचाना लगेगा टाटा हैरियर की तरह। तो यहाँ पे गियर नॉब रहेगा, डायरेक्शन कंट्रोल और अलग हिल डिसेंट के जो भी फंक्शन थे वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है टाटा सफारी का, तो ये आप देख सकते हो। पार्किंग जो रहेगी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पार्किंग रहेगी, और आई थिंक ये आजकल हर गाड़ियों में देनी चाहिए कंपनियों को, जो कि 10 लाख से ऊपर आ रही है। काफ़ी बढ़िया फीचर ये मुझे लगता है। यहाँ पे आर्म रेस्ट आपको जो होगी वो आपको देखने को मिलेगी, कप होल्डर की पोजीशनिंग आप देख सकते हो, और आर्म रेस्ट जो होगी इसे आप ऐसे ओपन कर सकते हो, और कूल ग्लव बॉक्स की तरह ये काम करने वाली है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, और यहाँ पे यूएसबी चार्जेस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, और इस तरह से को ड्राइवर साइड आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे दोनों साइड पे आपको लंबार्ड स्पोर्ट भी देखने को मिलेगी टाटा सफारी में। सो ये काफ़ी बढ़िया एक फीचर मुझे लग रहा है टाटा सफारी में। और ये आप कुछ इसका फ्रंट का डैशबोर्ड देख सकते हो। बात करें IRBM की, तो ये आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको माइक की फैसिलिटी यहाँ देखने को मिलेगी, और कुछ रीडिंग लैंप्स जो होंगे वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। और इस टाटा सफारी में आपको जो होगा वो सनरूफ भी देखने को मिलेगा, तो ये आप देख सकते हो इस तरह से। सो दोस्तों, टाटा इस सनरूफ को मैजेस्टिक स्काईड्रोम का नाम देता है। सो देखने में तो काफ़ी बड़ा लग रहा है ये, तो ये आप देख सकते हो, और कंट्रोल्स आपके आप इसके देख सकते हो यहाँ से हैं। और ये कुछ व्यू था टाटा सफारी के इंटीरियर का, डैशबोर्ड का। और अब बात करते हैं गाड़ी के रियर सीट्स का। सो रियर सीट्स में जाने से पहले गाड़ी का विंडो पैनल देख सकते हो। जो चीज़ मुझे थोड़ी इसमें दिक्कत कर रही है, यहाँ से आप देखिए फ्रंट वाले ये जो विंडोज़ हैं, जो ड्राइवर साइड विंडो है वो तो काफ़ी वाइड ओपनिंग है उसकी, तो 90 डिग्री नहीं है बट उसे कम है, बट ठीक है, आराम से इन और आउट हो जा सकता है। बट ये जो रेयर वाली सीट्स जो होंगी उनमें जाने के लिए ये जो विंडो ओपनर है मेरे को लगता है ये सफिशेंट नहीं है। इसमें थोड़ा और डिग्री अगर बढ़ाते इसको तो इट वुड बी एंड इट कुड हैव बीन बेटर टू गो इनसाइड एंड टू कम आउटसाइड। सो ये चीज़ देखनी चाहिए थी टाटा को। विंडो पैनल मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कुछ इस तरह से विंडो पैनल आपको देखने को मिलेगा। सॉफ्ट टच यहाँ देखने को मिलेगा, JBL के ट्विटर्स यहाँ रहेंगे आपको, और यहाँ पे आपके जो होंगे मूड लाइटनिंग देखने को मिलेगी आपको, अगर यहाँ पे कलर जस्टिफाई करें तो। और अब बात करते हैं रियर सीट्स की। ऑल्दो टाटा सफारी में आपको दो सीट्स के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको कैप्टन सीट्स के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, नहीं तो आपको फुल बेंच टाइप सीट्स भी देखने को मिलेंगी। सो दोस्तों, इस रियर सीट्स में आपको जो होगा रियर का स्पोर्ट जो होगा रिक्लाइन डिक्लाइन की फैसिलिटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आर्म रेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, और आप इन सीट्स को आगे भी कर सकते हो और पीछे भी कर सकते हो, और यहाँ से आप जो है पीछे जा सकते हो जो थर्ड रो सीट्स हैं, सो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से आपको इंटीरियर जो होगा वो देखने को मिलेगा। अगर बात करें इस गाड़ी के रियर हम्प की, थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको रियर वाला हम्प, ये आप देख सकते हो, और इस तरह से आपको जो होगा वो आर्मरेस्ट देखने को मिली, और यहाँ पे कुछ एक सामान रखने की जगह दी गई है, और यहाँ पे आपको एसी वेंट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको थर्ड रो में जाना है तो आप यहाँ से इजली से जा सकते हो। थर्ड रो की सीट्स मैं आपको बता देता हूँ, थर्ड रो की सीट्स जो होंगी वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगी। और बात करें अगर रियर में रीडिंग लैंप्स की, तो यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप्स जो होंगी वो चाइडी में देखने को मिल जाएंगी, ग्रैब हैंडल्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और बात करें सेफ्टी फीचर्स की, तो टाटा सफारी में मिलेंगे आपको 6 एयरबैग्स, ABS और EBD की फैसिलिटी। सो दोस्तों, अब बात करते हैं टाटा सफारी के 7-सीटर वर्जन की, तो उसकी रियर सीट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये आपको कुछ रियर सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी कुछ इस तरह से। आइसो वाइट कलर है, काफ़ी बढ़िया प्रीमियम कलर लग रहा है, और ये 7-सीटर वर्जन है टाटा सफारी का, तो यहाँ पे आप स्पेस भी देख सकते हो किस तरह से स्पेस आपको जो होगी वो देखने को मिलेगी। सो इस तरह से आप इसका कुछ लुक देख सकते हो। बात करते हैं टाटा सफारी के बूट स्पेस की, तो बूट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हिडन बटन रहेगा, सो जिसे आप एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे एक्सेस करने के बाद काफ़ी भारी बूट है इसका, और बूट डोर जिसे आप बोल सकते हो, और ये आपको कुछ बूट स्पेस देखने को मिलेगी, बहुत मतलब ज़्यादा ही कम आपको देखने को मिलेगी। आई थिंक इस सेगमेंट में इनोवा ही सबसे बढ़िया जो होगा बूट स्पेस आपको प्रोवाइड करेगा। बट यस, अगर आप इसकी रियर वाली सीट्स जो थर्ड रो सीट्स अगर उनको फोल्ड कर देते हो, सो देन यू विल गेट 445 लीटर्स बूट स्पेस। और बूट में आपको जो रियर की थर्ड स्पेसिंग जो होगी सीट्स होंगी वहाँ पे आपको क्या फैसिलिटी देखने को मिलेगी वो बता देता हूँ। यहाँ पे आपको
आपके एक बोट होल्डर, पावर सॉकेट वहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कुछ आपके वॉलेट वगैरह आप यहाँ से रख सकते हो। रियर में एसी वेंट्स आपको देखने को मिलेंगे और कंट्रोल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है गर्मियों में खासकर। तो ये आप देख सकते हो टाटा सफारी का रियर। तो दोस्तों अब बात करते हैं टाटा हैरियर के इंटीरियर की। और विंडो का पैनल आपको ऑल दो सेम ही देखने को मिलेगा, बस कलर में डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे ब्राउन कलर रहेगा और यहाँ पे ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। सीट्स आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, ब्राउन कलर में देखने को आपको ये मिलेगी। और बस डिफरेंस जो थोड़ा सा ये रहेगा कि यहाँ पे आपको जो हैंड ब्रेक होगी वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक जो ब्रेक होगी वो आपको देखने को मिलेगी। अल्टो बाकी दोनों गाड़ियाँ जो हैं वो सेम ही है और दोनों गाड़ियाँ जो हैं वो आयरा कनेक्ट के साथ आती हैं। सो उस पर भी एक दिन किसी दिन अच्छे से वीडियो बनाएंगे। सो ये आप देख सकते हो पेडल लैंप। और अब बात करते हैं रियर की। सो रियर से आपको जो हैरियर होगी वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको बेंच टाइप सीट्स देखने को मिल जाएंगी टाटा हैरियर की। और ठीक ही है, हम भी दोनों में सेम ही रहेगा और तीन बंदे यहाँ आराम से बैठ सकते हैं मेरे जैसे। और यहाँ पे टाटा सफारी में आपको देखने को मिलेगा ब्लैक कलर का शार्क फिन एंटीना, अल्दो हैरियर में भी आपको सेम ही देखने को मिलता था। तो ये आप देख सकते हो। सो दोस्तों जो छोटी छोटी चीज़ें मुझे टाटा सफारी में अच्छी लगी वो मैं चीज़ें आपसे शेयर कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक आपको लाइटनिंग देखने को मिलेगी हैंडल के पास। सो ये रात को काफ़ी बढ़िया लगती हैं, तो ये आप चीज़ देख सकते हो। और एक लाइटनिंग आप यहाँ पे देख सकते हो ये। सो ये रात को काफ़ी बढ़िया इल्यूमिनेट होती हैं, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि एम्बिएंट लाइटनिंग और मून लाइटनिंग की भी फैसिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, बट ये कुछ छोटे छोटे टच जो हैं वो टाटा सफारी में मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगे देखने को। सो दोस्तों बात करें अगर टाटा सफारी की सेफ्टी की, हालांकि सफारी का कोई क्रैश टेस्ट तो नहीं हुआ है, पर जिस प्लेटफॉर्म पे ये आ रही है, जिस तरह की ये गाड़ी आ रही है, तो आई होप कि काफ़ी बढ़िया रेटिंग स्टार्स ये लेके आएगी। और इसके अलावा मैं आपको एक थोड़ा अंदाज़ा दे देता हूँ सेफ्टी का। ये आप थर्ड सुन ही सकते हो जो कि टाटा की गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है। सो आप इस चीज़ के लिए श्योर होकर चलिए कि सेफेस्ट गार्ड्स आपको टाटा के एंड से मिलेंगी देखने को, और सफारी भी उसी लीग में आपको देखने को मिल जाएगी। और बाकी अगर और किसी चीज़ की मैं आपको चीज़ की शिकायत आपको देखने को नहीं मिलेगी, पैनल गैप्स जो होंगे वो काफ़ी यूनिफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, ये आप देख सकते हो। किसी भी तरह से ऑड गैपिंग आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी किसी भी तरह से। सो दोस्तों एक और चीज़ जो मैंने थोड़ा नोटिस करा है, जो इससे पहले वाली जो सफारी आती थी उसका जो फ्रंट से और रेयर से जो लुक था वो हाई स्टांस वाली साइड रहता था। आल्दो इसको देखने पे मुझे थोड़ा ये लग रहा है कि इसका जो फ्रंट का लुक है वो थोड़ा लो स्टांस पे है। इसका रीज़न मैं आपको एक बता देता हूँ। इससे पहले जो सफारी आती थी वो आपकी लेडर ऑन फ्रेम चेसिस पे आती थी, जिस पे आपकी स्कॉर्पियो और बलेरो आती है, तो जिनका फ्रंट से अगर देखोगे आप तो उनको हाई स्टांस रहेगा। और इसका ये रीज़न एक ये होता है, और दूसरा रीज़न ये है कि ये जो ऑल न्यू टाटा सफारी है ये टाटा के न्यू प्लेटफॉर्म ओमेगा आर्क पे आ रही है, प्लस इसकी जो चेसिस है वो मोनोकॉक चेसिस रहने वाली है। और आपको ये भी जान के खुशी होगी टाटा अपने इस प्लेटफॉर्म को, जो इनका एक ग्रुप है टाटा का ELR जैगुआर लैंड रोवर ग्रुप, उसमें D8 जैगुआर लैंड रोवर की D8 गाड़ी है उसमें यूज़ करता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस प्लेटफॉर्म इज़ वेरी गुड एंड कैपेबल ऑफ अब्जॉर्बिंग पॉट होल्स। और कहीं भी आप अगर किसी घाट्स में जा रहे हो या हिली एरिया में स्पेशली आप रहते हो या फिर आप सिटीज़ में इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हो, तो ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है ड्राइविंग ड्राइवेबिलिटी के लिए। इनफैक्ट अगर आपको ये जो प्लेटफॉर्म है, अगर T8 लैंड रोवर की जो गाड़ी है T8 उसमें आता है, तो आप सोच सकते हो कि टाटा किस तरह का कंफर्ट लेवल आपको टाटा सफारी में प्रोवाइड कर रहा है, जो कि उससे लगभग 3 गुना कम रेट पे आपको देखने को मिलेगी इंडिया में। सो दोस्तों ये था एक क्विक वॉक अराउंड और एक छोटा सा हल्का सा कंपैरिजन था टाटा सफारी और टाटा हैरियर के बीच में। और अभी खैर इस गाड़ी का जो प्राइस है वो अभी अनाउंस होना बाकी है, बट एज़ पर माई नॉलेज ये गाड़ी जो का जो प्राइस होगा वो लगभग 15 लाख से 22 लाख के बीच रहना चाहिए। सो तभी जाके कभी कम्पीट कर पाएगी। हालांकि सफारी तो टाटा की तरफ से एक ऐसा प्रोडक्ट रहा है जिसे लोग एक सपना रहता है कि सफारी लेने का, तो मे भी अगर टाटा अगर प्राइस में अच्छा खेलती है तो डेफिनेटली सफारी फिर से अपनी जो सेगमेंट है उसमें किंग बन जाएगा। सो दोस्तों इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है टाटा सफारी को लेके, टाटा हैरियर को लेके, सो नीचे स्क्रीन पे आपको मिस्टर पंकज जी
उनका नंबर जो होगा वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो आप डायरेक्टली उनको कॉल करके अपनी जो क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हो या कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, हम भी आपका जो होगा वो रिप्लाई करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप जो चैनल है मेरा ASR जम्मू ब्लॉग्स उसे शेयर करें और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में भी आपको इसी तरह से एक अच्छे से अच्छे रिव्यू देखने को मिलेंगे। और आज की अपनी इस वीडियो के लिए मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ फेयर डील टाटा मोटर्स को, जिन्होंने मुझे मौका दिया टाटा सफारी को शूट करने के लिए। और इसके अलावा इनका इस टाटा सफारी का एक ड्राइविंग इम्प्रेशन भी मैं आपके लिए जल्द लेके आऊँगा। और मिलते हैं आपसे किसी न्यू जगह पे, किसी न्यू गाड़ियों के साथ और किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। और टिल देन कीप स्पॉटिंग एंड शेयरिंग योर लव।